आपके कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपके नए शो के लिए, थोड़ा सा कुछ बताइए किस तरह का शो है नीम के विधायक, काफ़ी पॉपुलर प्रोमो लग रहा है। टुन्ने आ जा, थैंक यू सो मच। जाहिर सी बात है कि दो साल हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो वो दो साल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है हमारी, काफ़ी मज़ेदार, सुखद, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही एक दूसरे के साथ। और जाहिर सी हमने रियल लाइफ पर शुरुआत करा था, पर अब हम रियल लाइफ पे पहुंच चुके हैं और हम रियल में भी वैसे ही बॉन्डिंग शेयर करते। अब ऐसा नहीं है कि मैं रियल लाइफ में इसको प्यार करता तो रियल लाइफ में भी प्यार हो गया, पर हाँ प्यार है, प्यार है, इज्जत है, और ये सच में हमारी बड़ी बहन की तरह, ये इतना ख्याल नहीं, ये सब माँ बोलते हैं, चाची माँ बोलते हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह, यार माँ की उम्र की नहीं है मेरी, तो मैं कैसे बुलाऊं, क्यों नहीं चाची माँ ही बुलाऊंगा, चाची माँ बोलते हैं। बहुत दो साल में तो ऐसा लगता है यार कि हम, मुझे दूसरी फैमिली मिल गई, मुझे भी 5-6 साल बॉम्बे में हो गए, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपनी माँ से दूर हूँ, मैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार वालों से दूर हूँ। इन लोगों ने ऐसी प्यार से कमी पूरी करी है ना। नहीं नहीं, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग हमारी हुई है। किशन आपका नाम है ना, यू आर वेरी गुड, आपने बहुत सही सवाल किया, सही सवाल किया था। अच्छे हो आप। और जी नहीं नहीं नहीं, नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट है, हम काफी एक्साइटेड है, कैसी नई चीजें आने वाली उसकी, क्योंकि सर जैसे सर ने बताया है कि यही लोग होंगे लेकिन अंदाज नया होगा, चीजें नई होंगी, तो बिल्कुल उसको करने को हम तैयार हैं नए तरीके से। उनके फ्रेंड बनने वाले निम्की के, तो मैं फ्रेंड बनने वाला नहीं हूँ, मैं दो साल से फ्रेंड हूँ और अभी भी हूँ, और ये मैं बहन हूँ, ये बहन है, प्यारी सी बहन, और मैं चाची, माँ जैसी चाची, हमारी माँ है। सीजन 2 मतलब ऑलरेडी फर्स्ट सीजन बहुत ही हिट था, सर ने आपको जब बताया कि हम अभी स्लॉट को कम खत्म कर रहे हैं और दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं, तो आ रही हूं, मतलब थोड़े हम दूसरा काम ढूंढने लगे, हमें लगा कि हम सीजन 2 में रहेंगे नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, ये बात सही है, आपने जेन्युइन सवाल किया कि हमें कंफर्मेशन दी थी, हमें पूरा टिकट दिया कि प्रॉपर हो आप इस बस में, नहीं वो तब वो बाद में पता चला हमें कि हम बस में सवार हैं, लेकिन शुरू में जब ये बात आई तो सब लोग थोड़े से इनसिक्योर तो हो ही गए थे कि पता नहीं नेक्स्ट सीजन में है या नहीं, है या नहीं, और ये जर्नी खत्म होने वाली है, ये जर्नी फिर जिसके हम सब पार्ट थे और इतना मजा आ रहा, लेकिन बहुत सर ने सबको रखा और एक नए तरीके से पेश करेंगे सबको, ये उनको सर को भी हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि हम सबको रखा, सर ने चेंज नहीं किया, मजाक में बोल दिया, पर हम उनका जितना शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत कम है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और इंसानियत में बहुत विश्वास है सर का, इसलिए वो सोचते हैं, एक्टर को सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसके साथ क्या होगा। इससे अगर मैं बात करूँ, ऐसी कौन सी कॉम्प्लीमेंट आपको जो आपके फैन से मिली हो सोशल मीडिया में, या कभी आप लोग घूमने जाते हो हाँ, मैं तो शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुई थी कैरेक्टर में तो डुमरी वाली चाची से, और मुझे पब्लिक से डुमरी वाली चाची जब आने लगा ना, अरे डुमरी वाली चाची, और मेरा एक डायलॉग था लास्ट में, मैं बोल के निकल जाती हूँ, ए राम बच्चन कसम खा के कह रहे हैं कि आज के बाद से तुम्हारे अंगना में टपपे नहीं करेंगे, ये डायलॉग मेरा इतना हिट हुआ कि मैं जहाँ जाती थी, लोगों से मिलती थी या इंटरव्यू देती थी, तो ये लाइन मेरे से बुलवाते थे, तो ये अचीवमेंट है मेरे कैरेक्टर की इस शो में। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं लोगों से, अभी फ़िलहाल जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, जो कि अभी ट्रैक आप लोग देख रहे हैं जिसमें मैं बब्बू के खिलाफ हूँ, दीदी का भी ये पूरा प्लान है कि वो बब्बू से बदला लेना चाहती है, बट मेरी नज़र में ये था कि वो बब्बू के साथ जा चुकी है, उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो उसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आए कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू कि आप एक रेपिस्ट का साथ नहीं दे रही हैं एंड आप जो भी कर रही हैं, मेरे जो भी वैसे सीन्स आ रहे थे लोगों को बहुत पसंद आए, तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। उसके अलावा तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अच्छा, मैं ना ऐसे सोशल मीडिया पे, हम सारे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हम सारे यूज़ करते हैं, उसमें किसी अनिका नाम की या कोई तो लड़की थी, उसने एक बड़ा लंबा सा पोस्ट करा था, उस पोस्ट में मुझे मेंशन करके लिखा था कि उसकी ग्रैनी को, दादी को या किसी को फैमिली में सेकंड स्टेज का कैंसर है, और जब वो हॉस्पिटल में परमानेंट शिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने बोला मुझे टीवी चाहिए इस रूम में, उन्होंने पूछा क्यों, तो बोले 8:30 बजे निम्की मुखिया आता है, वो मैं मिस नहीं करना चाहती। उस लड़की ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि आपको देख के वो इतनी, स्टार्टिंग में मेरा करेक्टर बहुत जॉली और फन लविंग और कॉमेडी था, तो बोलती तुमको देख के वो इतना हंसती हैं कि मैं तुम्हें आज पर्सनली मैसेज कर रही हूँ कि यार अगर 2 मिनट के लिए भी मेरी दादी है, मेरी माँ अगर हंसती है वो तुम्हारी वजह से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे भी पर्सनली लगता है कि यार अगर मैं वैसी चीज़ें कर पा रहा हूँ, इस सोसाइटी के लिए कर पा रहा हूँ, उसको दे पा रहा हूँ, तो यार वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा है। वी लव यू ऑल भाई, जिंदगी हम तो आपको प्यार करते ही हैं, आप भी हमें वैसे ही प्यार करते रहिए जैसे 2 साल किया, आगे भी ऐसे ही करते रहिए, हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बहुत अच्छी कहानी आपको दिखाने
बनाने वाले हैं जो मजा आएगा आपको, और मेहनत करेंगे लोगों के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू।